मोमेडन ही देखते हैं, मुझे सारी कास्ट के लोग देखते हैं। जो कॉन्ट्रेक्टर है उन्होंने बोले इंटरनल डिजाइनर वाले उनको बुला लीजिए। खिड़की अच्छी बड़ी मिल रही है इधर से लेके उधर तक का पूरे। इसके लिए सपोर्ट लगे है ना, इधर से अंदर से सपोर्ट दे सकते हैं। और छोटा कर सकते हैं कि नहीं? मेरे मेरे घर से छोटा मत करो, इधर तक ही रखो, ये बेस्ट है। मुझे थोड़ा जैसा चाहिए एडजस्टमेंट वैसा होना चाहिए। घर में तो रिमोट भूल हो गया था, बताओ पीछे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। बैंगन के भरते की रेसिपी देख ली है तो मेरे YouTube चैनल पे मौजूद है अफरोज किचन पे। वहाँ पे जाके अगर आप सर्च करेंगे ना कि अफरोज किचन स्टाइल बैंगन का भरता तो आपको आ जाएगा। और गाइस, जैसे कि गणपति बैठने वाला है तो बहुत लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, वेज खाते हैं। तो वेज की भी अगर आप लोगों को रेसिपी देखनी है, वेज में मैंने बहुत किस्म की थाली बनाई हूँ, तो वो थाली भी अगर आपको देखनी है वेज थाली, तो आप मेरे अफरोज किचन पे जाकर देख सकते हैं। आप लोग सिर्फ सर्च करना है अफरोज किचन वेज थाली रेसिपी वीडियो, तो आपको आ जाएगा। और मोदक भी बनाई हूँ मैंने, मोदक बनाई हूँ मैंने, पूरन पूरी बनाई हूँ मैंने, पूरन पूरी के साथ खाने वाली अमटी बनाई हूँ मैंने। पूरन पूरी थाली भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आपको सिर्फ सर्च करना है अफरोज किचन स्टाइल मोदक, तो वहाँ पे अलग अलग तरह के मोदक भी आ जाएंगे। अफरोज किचन स्टाइल पूरन पूरी, तो पूरन पूरी भी आ जाएगी, है ना? तो आप लोग ज़रूर जाकर देखना, है ना? और मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको एडवांस में हैप्पी गणेश चतुर्थी। हाँ, है ना? चलो, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ मोमेडन ही देखते हैं, मुझे सारी कास्ट के लोग देखते हैं। क्योंकि जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे मुस्लिम भी मिलते हैं, हमारी कास्ट के भी मिलते हैं, और हमारे हिंदू भाई बहन भी मुझसे बहुत प्यार से मिलते हैं, मेरे साथ फ़ोटो भी खींचते हैं। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि उनके त्योहार पे मैं उनको भी विश करूं, है ना? और उन लोगों के लिए भी मैं रेसिपी बनाऊंगी, क्योंकि उन लोग भी मेरे से बोलते कि आपा ताई भाभी वहनी ऐसा बोल के बोलते कि वेज भी बनाओ ना थोड़ा सा, हम लोग को वेज भी खाते हैं, आप नॉनवेज बहुत अच्छा बनाते हैं, मगर वेज भी बनाओ। बहुत गुजराती जैन लोग भी देखते हैं, गुजराती लोग देखते जो नॉनवेज नहीं खाते। हाँ, एक बार हम लोग बॉम्बे गए थे तो एक गाड़ी थी बहुत माशाल्लाह बड़ी थी और काफी पैसे वाले थे, उन लोग गुजराती लोग थे। रमजान में मैं गई थी तो लोग मेरे को देख के गाड़ी रुका दिए और फिर आवाज देने लगे, तो मैं बोली ये कौन है क्या मालूम। तो फिर मैं उन लोग उतरे मेरे पास में आए, तो फिर मेरे को बोले हम लोग आपकी रेसिपी वीडियो देखते हैं, हम लोग घर में बनाते नहीं है नॉनवेज मगर फिर भी तुम्हारी वीडियो देखते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई, है ना? हाँ। तो चलिए, और अभी मेरे मेरा कौन आने वाला है? इंटीरियर। हाँ, वो आने इंटीरियर डिजाइनर। हाँ, तो मेरे जो कॉन्ट्रेक्टर है उन्होंने बोले कि आपके जो है जो इंटीरियर डिजाइनर वाले उनको बुला लीजिए, और किधर किधर पे क्या क्या करना है वो हमको बता देंगे, तो वही हिसाब से हम काम अपना चालू करेंगे। बराबर। और यहाँ पे बैंगन का भरता में बनाने का तैयारी कर रही हूँ। मैं बोली कि कल मैंने सालन बनाई थी और थोड़ा चावल भी बचा हुआ है, तो खाली बैंगन का भरता बना दूंगी, माउसी आके रोटी डाल देंगे, है ना? से हाँ। और मैं पतली दिख रही हूँ एकदम। ये वो छोटी होगी ना, खिड़की छोटी हो जाएगी। ये इनपुट क्यों छोड़ रहा है? इनपुट पर मेरी आपको बताया कि इनपुट तो बहुत बड़ा होता है, ये कुछ सामान को लेकर पौने दिन रखो, रेडी पौने दिन रखो, तो तीन फुट बड़े हो कटिंग रखो, तो इतना ही हो जाएगा। ये इतना ही होएगा ना, अभी मतलब अभी जो है ना ये दीवार कम करेंगे ना, ये बहुत चौड़ी हो गई है। 2 फुट का और 3 फुट वाला ही है, और 3 इंच बड़ा है। कौन सा वाला बोल रहे? मेन डोर बोल रहे क्या? ऊपर जाने वाला नहीं, यहाँ का मेन डोर तो अपन 3 फुट ही ले रहे हैं।
हाँ कमी चाहिए, नहीं अंदर की सीढ़ी ज्यादा चौड़ाई मत करो, कम ही रखो। हाँ वो सामान वामान तो जाएगा नहीं, हाँ वो सामान तो जाएगा तो इधर से ही जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। अभी ना कैसा है ना, ये जो है ना इतना पैक हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका दरवाजा आ जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। उसके बाद 9 इंच का जगह छोड़ा है, 9 इंच का जगह छोड़ा हम लोग ने इसके लिए, जो आपका पिलर जाएगा, जो पिलर जाएगा उसके लिए। उसके बाद यहाँ से 5.5 फीट यहाँ तक खिड़की रहेगी, बड़ी खिड़की मिलती ना। हाँ तो फिर बाद में यहाँ से 9 इंच का वापस जगह छोड़ के इसका 3 इंच का जगह मिल जाएगा। हाँ तो ये छोटी मिल रही है ना। नहीं नहीं इतना बड़ा है ना। हाँ बदल, हाँ ठीक है ना, सामान आना चाहिए, सामान आ जाएगा। 3 फीट का रहेगा, 3 फीट बहुत हो गया, खिड़की अच्छी बड़ी मिल रही है इधर से लेके उधर तक का पूरी। हाँ ये जो ग्रीन मार्बल वगैरह ये सब है ना, मैं उनसे ही लगवा के ले रही हूँ। आप खाली कलर बता देना, कौन सा नीचे की टाइल्स भी आप बता देना, मैं उनको एक दो पैसा देके सामान सब लगा दूंगी। आपका जो ये सब बनाने का काम आप कर देना, सीढ़ी का रहेगा, सीढ़ी का बाथरूम में टाइल्स कौन सी लगाने का, नल कौन सा लगाने का आप बता देना, तो हम लोग लेके आ जाएंगे। ठीक है, ये सब तुम दिमाग दे देना कैसे बनाना है। 6x4 तो इसमें कैसा वॉश बेसन वगैरह, वॉश बेसन के नीचे स्टोरेज काम कर सकते हैं, 6 फुट चेंज ले सकते हैं। हाँ तो 6.5 में क्या होगा कि अपना कवर हो जाएगा। हाँ कवर हो जाएगा और जो भी इसके लिए सपोर्ट लगे ना इधर से अंदर से सपोर्ट दे सकते, तो फिर स्टेयर के जिसके ऊपर से जाएगा तो भी सपोर्ट अंदर अंदर हो जाएगा, तो स्टेयर के जैसा ही ऊपर से जाएगा इसके। हाँ इसके ऊपर से जाएगा, स्टेयर के एक्चुअली जा रहा है उधर से और यहाँ पे घूमेगा। अच्छा यहाँ पे घूमेगा, जो पोर्शन है ना यहाँ पे घूमेगा, घूम के फिर जाएगा। अच्छा तो ये तो बना 6.5 को ये सही है, 6.5 ये कवर कर रहे हैं सब। लेकिन इधर मैं जो हाइट है मैं हाइट आपको है लेआउट में है मेरा, बता दो और छोटा कर सकते हैं कि नहीं, मेरे ख्याल से छोटा मत करो, इधर तक के रखो, ये बेस्ट है, कम्फर्टेबल रहेगा चलने के लिए। मतलब आपको ऐसा मतलब ज्यादा पकड़ पकड़ के चलना है, डायरेक्टली चल सकते हैं, किचन से कुछ चाय वगैरह लेके आना है तो आराम से सर, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि ऐसा रखो पैर वैसा रखो पैर, तो उस हिसाब से थोड़ा ऐसा चौड़ाई रूम थोड़ा बढ़ा लेंगे उसका, क्योंकि एंट्रेंस के लिए है जगह बहुत जगह। तो यहाँ से मिड लैंडिंग यहाँ पे आएगा आपका, ऑलमोस्ट हाफ तक आ जाएगा, हाफ से थोड़ा कम रहेगा और फिर बाद में मीटिंग में तो चलिए गाइस, हमारे आर्किटेक्ट ने बताया कि कैसे दरवाजा निकालना है, क्या करना है, कैसी खिड़की आएगी, और थोड़ा बहुत बता के गए हैं वो अपने हिसाब से कि कितने कितने में वो जगह को एडजस्ट करना है, क्योंकि घर है और माशाल्लाह है घर बड़ा, मगर एडजस्ट मुझे थोड़ा जैसा चाहिए एडजस्टमेंट वैसा होना चाहिए बराबर। तो मेरे दिमाग को मैंने उनको दी हूँ आर्किटेक्ट को, कहते तुम मेरे को बताओ कि कैसे करना है वो हिसाब से। तो वहाँ से आई, फिर मैं भाजी बनाई, बैगन का भरता बना दी, माउस की रोटी डाल रहे हैं, मच्छी वाला आया था तो मच्छी वाले से मैंने 250 में इतनी सारी बोमबिल ले ली, 250 में ली हूँ। अभी ये थोड़ी अभी फ्राई कर दूँगी और कल इसका थोड़ा सा सालन बना लूँगी, तो बोमबिल का सालन खाने में काफ़ी अच्छा लगता है, चटपटा सा लगता है बराबर है ना, तो कल बनाऊँगी बोमबिल का सालन और माउस की बनाएंगे रोटी, मैं बनाऊँगी चावल है ना। पानी गिरने का तो चुप गया था, बिल्ला चुप गया, चुप 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 चु
किधर है चूहा? चूहा के अंदर। इधर भागा, इतना बच्चा है। इधर किधर भागा? इधर से। इधर भागा, इधर भागा, अंदर भागा, अंदर भागा। हाँ। तो कबाड़ के पीछे भी इधर से आएगा। चेहरा बहुत काटा ना नहलाने के समय, नाखून मारा, नाखून मारा। दिखाओ तुमको किधर मारा नाखून, बताओ। हाथ का भी निकल गया मेरे। हाँ, मैं को भी मारा, देखो इधर, इधर मारा, देखो इधर मारा मैं को इधर। बहुत मदमाशी। तो यहाँ पे रिमोट नहीं मिल रहा टीवी का, क्या मालूम किधर। उधर है वो पीछे, कहते काला नहीं है, इधर नहीं है। अशरफ का फोन का ना? अशरफ का फोन नहीं, अशरफ का फोन इधर ही है। अशरफ फोन छोड़ के किधर जाता है? यहाँ से इधर ही रखते टीवी का रिमोट हम लोग। रिमोट किधर चला गया? मेरे को तो अजब ही बात लगती है, इसमें ही मेरा रिमोट। अब्बा देखे उसके अंदर। नहीं है रिमोट। ये खोलिए वाला कौन? ये नहीं है। अब टीवी कैसा देखे? तो टीवी देखते तो थोड़ा टाइम पास होता है। कहाँ से घर के अंदर? ये कहाँ खोला? हाँ देखा पापा, इसने भी देख लिया। सिंगादान ने भी देख लिया, ऐसे भी नहीं है। हाँ इधर देख, है क्या? नहीं है। क्या मुसीबत है? अबे अशरफ को पूछना पड़ेगा। रिमोट इसके अंदर से है ना? किधर गया रिमोट यार, समझ रहा नहीं है। इसके नीचे देख, इसके नीचे गया। देखा देखा, टॉर्च मार के देखा, नहीं है। सब जगह देखा, रिमोट कुटे गेला। इसके नीचे तो नहीं है ना? नहीं नहीं इधर नहीं गया। कमाल की बात लग रही है, क्या देखेंगे? पिक्चर करके देखने का था इसको। जॉम्बी, क्या नाम था पिक्चर का? जॉम्बी। जॉम्बी और मशीन में डाल दो लाला, गंदा है। इसको देखो कैसा बैठा है। उधर तो गदेले पे बैठा, उसको गदेले पे बैठा। इसको देखो शेरा कहाँ बैठता है, कहाँ पसर के बैठे ना। देखना टांग पसार के, तुमची लंबी करके। हाँ अशरफ के जैसा, आसिफ के जैसा बिगड़ रहा है तू। अशरफ के जैसा तेरे को बोलेगा तो क्या होता है? नहीं मैं बिगड़ा हुआ थोड़ी, अशरफ बिगड़ा हुआ। तू के साथ आता है कभी कभी मेरे को? रिमोट ढूंढते हैं यार, रिमोट नहीं मिल रहा है। किधर रहता तू मगर ये बता? अरे बोल ना, किधर रहता तू? नाटक करता है क्या बेचारा? किधर रहता गाड़ी लेके तू? प्रैंक वीडियो बनाने। अरे क्या आपने किधर नहीं आता? रिमोट किधर है? ये लो, ये ले ना खुदा पे रिमोट ढूंढ पहले, चल किधर रिमोट है? मैं को क्या मालूम है, तुम लोग टीवी देखते हैं। इसको आगे करना पड़ेगा लग रहा है मेरे को। इसको इसके पीछे भी देखा, उसमें देखे, खोल के ये इधर से उठा, उधर पीछे लगता है। हां पीछे गिरा है, गिरा है। आखिर में डायरी ने ढूंढ ली है, डायरी मैं बोल रही हूं पीछे है। मैं हाथ डाल के देखा, पीछे नहीं था। देखी देखी ना, क्या देखने का? बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, क्या देखने का था? रिमोट मिल गया यहाँ पे, रिमोट फाइनली मिल गया। बादशाह को ला के देगा।